नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम अध्ययन करेंगे भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इनके संदर्भ में सबसे पहला इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है परीक्षा में, वो पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी का जो संबंध है वो किस काल के साथ में लगाया जाता है, तो इसका जवाब होता है आद्य ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता का संबंध कौन से काल से है? आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखो, आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है, हम केवल इंट्रोडक्शन के पर्पज से आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल इनको एक बार समझेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है, और प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है, और ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें केवल और केवल पुरातात्विक साधनों से प्राप्त होती है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें केवल और केवल पुरातात्विक साधनों से प्राप्त होती है। इस काल के संबंध में किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य या साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं, लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल है वो पूर्णतया किस पर निर्भर करता है? पुरातात्विक साधनों पर निर्भर करता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें केवल और केवल पुरातात्विक साधनों से प्राप्त होती है। अब भारत के इतिहास में या भारत में दो सभ्यताएं जिनको प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यताओं के रूप में शामिल किया गया है। पहली सभ्यता सोहन संस्कृति या सोहन घाटी सभ्यता। पहली सोहन संस्कृति प्रागैतिहासिक काल के संबंध में पहली सभ्यता है वो कौन सी है? सोहन संस्कृति। और दूसरी सभ्यता जिसको अपन कहते हैं मद्रासियन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति। इन दोनों सभ्यताओं के और नाम हैं। मद्रासियन संस्कृति को कहा जाता है हैंड एक्स सिविलाइजेशन, हस्तकुठार संस्कृति। मद्रासियन संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? हस्तकुठार संस्कृति। और सोहन संस्कृति का दूसरा नाम है चापर चोपर पेबुल सिविलाइजेशन या चापर चोपिंग संस्कृति। सोहन संस्कृति का दूसरा नाम चापर चोपिंग संस्कृति। ये दोनों सभ्यताएं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। देखो, एक बार वापस रिवाइज करो। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें केवल और केवल कहाँ से प्राप्त होती है? लिखित साधनों से, केवल और केवल पुरातात्विक साधनों से प्राप्त होती है। इस काल के किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रागैतिहासिक काल में भारत की दो सभ्यताओं को शामिल किया जाता है। पहली सभ्यता सोहन संस्कृति और दूसरी मद्रासियन संस्कृति। सोहन संस्कृति का दूसरा नाम है चापर चोपिंग सिविलाइजेशन, और मद्रासियन संस्कृति का दूसरा नाम है हस्तकुठार या हैंड एक्स सिविलाइजेशन। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। सबसे पहली चीज आती है आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा। देखो, आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा की मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा है इस काल के संबंध में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु उनका वो अभी तक अपठित है। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक साधनों से प्राप्त होती है, और साथ ही साथ इस काल से संबंधित लिखित साधन यानी कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु ये जो लिखित साक्ष्य है ये अब तक क्या है? अपठित। यानी कि इनकी जो लिपि है वो किस प्रकार की है?
अपटित है, यानी कि अब तक इनका अध्ययन नहीं किया जा सका है। तो आद्य ऐतिहासिक काल जिसकी जानकारी पुरातात्विक के साथ में लिखित साधनों से भी मिलती है, लेकिन पुरातात्विक लिखित साक्ष्य है वो क्या है, अपटित है, या जो लिखित साक्ष्य है ये बाद में लिखे गए हैं, या लिखित साक्ष्य है ये बाद में लिखे गए हैं। जैसे अपन बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में दो सभ्यताओं को शामिल किया जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल में कितनी सभ्यताओं को शामिल किया जाता है, दो सभ्यताएं कौन कौन सी, पहली सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल की दो सभ्यताएं जिनमें पहली सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी सभ्यता है वैदिक सभ्यता। दूसरी सभ्यता कौन सी है, वैदिक सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं को आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। यदि एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता है जिसका संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है, तो वैदिक सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है, और आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा क्या है, ऐसी सभ्यता जिसमें या तो लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, लिखित सामग्री जो उपलब्ध है वो अपठित है, या वह लिखित सामग्री उस अवधि के पश्चात लिखी गई हो। जैसे अपन बात करते हैं दोनों सभ्यताओं की कि इनको आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों शामिल किया जाता है, क्यों कई लोगों का माइंड होता है कि सर वैदिक सभ्यता उसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है और वैदिक वेद है वो लिखित फॉर्मेट में उपलब्ध है, उनकी लिपि को भी हम पढ़ पाए, लेकिन फिर भी वैदिक सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल क्यों किया जाता है। तो देखो दो चीज है, पहली फर्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता, पहली सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी है वैदिक सभ्यता, दूसरी वैदिक सभ्यता। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए शामिल करते हैं कि इसकी जो लिपि है वो क्या है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है, यानी कि इसकी लिपि कैसी है, अपठित है। और दूसरा वैदिक सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल क्यों करते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता की जो समाप्ति है वो 1500 ईसा पूर्व से लगा करके, वैदिक सभ्यता की जो अवधि है वो कब की है, 1500 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व तक की जो अवधि है वो किसकी है, वैदिक सभ्यता की है। किंतु वैदिक सभ्यता की जानकारी देने वाले जो स्रोत है जिनमें हम मुख्य थे वेद उपनिषद अरण्य और ब्राह्मण ग्रंथों को शामिल करते हैं, ये जितने भी जो स्रोत है इन स्रोतों की जो रचना है ये रचना हुई है वे इस अवधि की समाप्ति के बाद, यानी कि वैदिक काल समाप्त होने के बाद, वैदिक काल की समाप्ति के पश्चात इन स्रोतों की या इन साक्ष्यों की रचना हुई है। अतः हम वैदिक सभ्यता को भी कौन सी अवधि में शामिल करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक अवधि में शामिल करते हैं। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहला सवाल क्या था, हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से काल से संबंधित है, तो अपना जवाब क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। फिर इसके बाद में बात आती है हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की, सब हड़प्पा सभ्यता है जो वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने है, वर्तमान स्थिति में जो हड़प्पा सभ्यता हमारे सामने है, इस हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास, इसके उत्खनन का जो इतिहास है वो किस प्रकार का रहा है, सर्वप्रथम कौन सा व्यक्ति था जिसको इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, और उस व्यक्ति के द्वारा इस संपूर्ण संसार को या विश्व को उस एक नवीन सभ्यता के संदर्भ में अवगत करवाया, एक प्राचीन सभ्यता के संबंध में अवगत करवाया गया। अपन बात करते हैं सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन नामक जो व्यक्ति था उसे हड़प्पा के संबंध में, या सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल था हड़प्पा, उसके टीले के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। घटना घटित होती है 1826 ईस्वी में,
घटना घटित होती है 1826 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में भू सर्वेक्षक के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। किस पद पर था ये? भू सर्वेक्षक। भू सर्वेक्षक का मतलब क्या होता है? पटवारी। यानी कि एक पटवारी जी थे अंग्रेजों के कार्यकाल में जिनका नाम क्या था? चार्ल्स मेसन। और ये जो चार्ल्स मेसन है ये भूमापन करते हुए, भूमि का मापन करते हुए पहुंचे पंजाब में जो वर्तमान में स्थित है पाकिस्तान के हिस्से में। पंजाब जो वर्तमान में कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। और ये भू सर्वेक्षण करते करते थक गए, और आदमी जब दोपहर में खाना वाना खा करके रेस्ट करता है तो ये जिस स्थान पर इन्होंने रेस्ट की थी उस स्थान पर इन्होंने कुछ पुरातात्विक जो अवशेष है उनका आभास किया, और इसकी जानकारी अपने जो उच्चाधिकारी थे उन उच्चाधिकारियों तक पहुंचाई। किंतु उन उच्चाधिकारियों की उदासीनता के कारण एक सभ्यता जो 1826 में सामने आ गई थी, फिर भी लगभग 100 साल लग गए उस सभ्यता के उत्खनन में। 1826 में चार्ल्स मेसन नामक जो पटवारी या भू सर्वेक्षक था इसने पहली बार हड़प्पा के टीले के बारे में अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन उच्चाधिकारियों ने कोई और कदम नहीं बढ़ाया। फिर इसके बाद में चार्ल्स मेसन रिटायर हो जाता है, और रिटायरमेंट के बाद में जाता है इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाने के बाद में 1842 में इसने एक लेख लिखा था, नरेटिव ऑफ जर्नल। क्या नाम है लेख का? नरेटिव ऑफ जर्नल। इंग्लैंड में 1842 में इन्होंने एक लेख लिखा, नरेटिव ऑफ जर्नल, और इस लेख में चार्ल्स मेसन ने पहली बार हड़प्पा के टीले के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा था? हड़प्पा के टीले के बारे में लिखा था। तो नरेटिव ऑफ जर्नल, इस लेख में 1842 में चार्ल्स मेसन पहली बार हड़प्पा के टीले के बारे में लिखता है। फिर इसके बाद में जब चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के बारे में लिखा तो अंग्रेजों के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम, इस अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा, भाई आप जाओ और जाकर के देखो कि जो चार्ल्स मेसन बातें बता रहा है क्या वो सही है। अलेक्जेंडर कनिंगम दो बार हड़प्पा का दौरा करता है। अलेक्जेंडर कनिंगम का जो पहला दौरा था हड़प्पा का वो होता है 1853 ईस्वी, और दूसरा दौरा होता है 1856 में। दो बार अलेक्जेंडर कनिंगम हड़प्पा के दौरे पर जाते हैं, पहली बार 1853 में, दूसरी बार 1856 में। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर कनिंगम की उदासीनता के कारण अभी भी ये जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है जो सामने आ जानी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। अब 1853 में ये पहली बार गया और जाकर के वहाँ पे जस्ट लाइक अपने पिकनिक पे जाते हैं ना वैसे गया, जाकर के पिकनिक मनाया, फैमिली को ले गया साथ में, फैमिली टूर पिकनिक मना करके वापस आ गया। अब घटना घटित हुई 1856 में, ब्रेंटन बंधु लाहौर से लगा करके कराची तक। 1856 में एक और घटना घटित होती है लाहौर से लगा करके कराची तक। लाहौर और कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और इस रेलवे लाइन बिछाने के दौरान ब्रिटन बंधु जो सुपरवाइजर या सर्वेयर के तौर पर कार्यरत थे रेलवे डिपार्टमेंट में, उनके द्वारा जब हड़प्पा के आसपास में जब वो गए तो वहाँ पर जब उन्होंने ईंटें बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई प्रारंभ की तो इनको बनी बनाई ईंटें मिल गई। इन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए उन बनी बनाई ईंटों का प्रयोग किया, और साथ ही साथ उन ईंटों के बारे में जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करवाई। अब उच्चाधिकारी है, उन्होंने वापस अलेक्जेंडर कनिंगम को दूसरी बार हड़प्पा के दौरे पे भेजा, और दूसरी बार अलेक्जेंडर कनिंगम हड़प्पा के दौरे पे आता है 1856 ईस्वी में। किंतु इस बार भी उदासीनता अलेक्जेंडर कनिंगम की, आया पिकनिक मनाया और वापस अपने चला गया। अब 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम के नेतृत्व में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, भारत में पुरातत्व जो पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ASI की स्थापना या पुरातात्विक विभाग की स्थापना भारत में 1861 में हुई। और इसका जो पहला महानिदेशक या पहला जो नेतृत्वकर्ता था वो कौन था? इसका पहला नेतृत्वकर्ता कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंगम। यानी कि 1861 कनिंगम के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कनिंगम के नेतृत्व में ASI की स्थापना की गई। अब वो कनिंगम जो
पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में एक नंबर का उदासीन व्यक्ति था, उसी को एएसआई का चीफ बना दिया गया। अगले 40 से 50 वर्षों तक एएसआई के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। घटना घटित होती 1904 में सर जॉन हुबर्ट मार्शल, यानी कि सर जॉन मार्शल, जिनको 1904 ईस्वी में एएसआई का महानिदेशक बनाया गया। 1904 में सर जॉन मार्शल एएसआई महानिदेशक बनते हैं। क्या बनते हैं? एएसआई महानिदेशक बनते हैं। और इन्हीं के कार्यकाल में घटना घटित होती है 1921, पहली बार इन्होंने रायबहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा के टीले का उत्खनन करने के लिए पहली बार एक टीम भेजी थी 1921 में। और रायबहादुर दयाराम साहनी के द्वारा या रायबहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा नामक जो स्थल है, इस स्थल का उत्खनन किया गया। सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था 1921 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी खोज 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा की गई, किंतु अधिकारियों की उदासीनता के कारण 100 साल पहले जो सभ्यता हमें प्राप्त होनी थी, वो सभ्यता अब 1921 में जाकर के प्राप्त होती है। और 1921 में ये किसके नेतृत्व में मिलती है? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो मार्शल के संबंध में इंपॉर्टेंट सवाल, मार्शल एएसआई चीफ कब बने थे? 1904 में। मार्शल एएसआई निदेशक कब बने? 1904 में। और मार्शल ने किसको भेजा था हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए? तो हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए 1921 में मार्शल ने रायबहादुर दयाराम साहनी को भेजा था। सर्वप्रथम किसको भेजा था? रायबहादुर दयाराम साहनी को भेजा था। अब 1921 में रायबहादुर दयाराम साहनी गए और जाकर के उन्होंने हड़प्पा के टीले का उत्खनन किया और जानकारी प्राप्त हुई, और ये जानकारी साझा की गई थी एएसआई चीफ के साथ में। अब देखो घटना घटित होती है, एएसआई चीफ 1924 में जाते हैं लंदन। एएसआई चीफ मार्शल 1924 में कहां गए थे? लंदन गए। और लंदन में उन्होंने 20 सितंबर 1924 को एक लेख लिखा। 20 सितंबर 1924 ईस्वी सर जॉन मार्शल ने एक लेख लिखा, द इलस्ट्रेटेड न्यूज ऑफ लंदन। लेख क्या नाम था? द इलस्ट्रेटेड न्यूज ऑफ लंदन। और इस द इलस्ट्रेटेड न्यूज ऑफ लंदन में पहली बार 20 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु सभ्यता को स्वीकार किया गया और हड़प्पा के बारे में संपूर्ण विश्व को जानकारी प्रदान की गई। यानी कि सिंधु सभ्यता को पहली बार प्रकाश में जॉन मार्शल के द्वारा कब लाया गया? 1924 में सिंधु सभ्यता की खोज की जानकारी पहली बार उपलब्ध करवाई। अब 1924 में 20 सितंबर 1924 सर जॉन मार्शल लंदन जाते हैं, द इलस्ट्रेटेड न्यूज ऑफ लंदन में इन्होंने अपना लेख लिखा था। उस लेख में इन्होंने कहा कि भाई हमारे भारत में एक बहुत बड़ी विस्तृत नवीन सभ्यता है, उसकी खोज हुई है, और उस सभ्यता का नाम क्या था? सिंधु सभ्यता। इन्होंने पहली बार क्या नाम दिया था इसको? सिंधु सभ्यता नाम दिया था। किसने? सर जॉन मार्शल ने। कब दिया था? 20 सितंबर 1924 को। अब वापस मार्शल हिंदुस्तान आते हैं, और हिंदुस्तान आने के बाद में 1925 में पहली बार इन 1925 AD 1925 में जॉन मार्शल पहली बार हड़प्पा का दौरा करते हैं। कहाँ का दौरा करते हैं? हड़प्पा का दौरा करते हैं। मार्शल पहली बार कहाँ गए थे? हड़प्पा गए थे। यानी कि एएसआई चीफ हड़प्पा का दौरा करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की, स्थिति और विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का जो विस्तार है
मार्शल ने सबसे पहली बार इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, और सिंधु घाटी सभ्यता नाम देने के पीछे उनका जो कारण था वो कारण था कि इस सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल या जो मुख्यतः स्थल प्राप्त हुए थे प्रारंभ में वो सिंधु नदी और उस सिंधु नदी की घाटी के आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त हुए थे, जिस कारण इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम मार्शल के द्वारा प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी के संदर्भ में, या इस सभ्यता का जो विस्तार है वो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंधु नदी की। सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है बोखरचू हिमनद। सिंधु नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कौन सा है? बोखरचू हिमनद। अब ये जो बोखरचू हिमनद है ये स्थल पड़ता है मानसरोवर तिब्बत में। बोखरचू हिमनद ये कहां पर पड़ता है? मानसरोवर तिब्बत। अब बोखरचू हिमनद से ये नदी निकलती है और नदी तिब्बत से निकल करके और जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है, और इसके बाद में ये पाकिस्तान में कराची के पास में अरब सागर में आकर के मिल जाती है। कहां पर मिलती है? कराची के पास में। कौन से सागर में? अरब सागर में। सिंधु नदी जो बोखरचू हिमनद मानसरोवर तिब्बत से निकल करके लद्दाख होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में कराची के पास में अरब सागर में मिल जाती है। और अब इसका भारत में यदि प्रवेश की बात करूं मैं तो इस नदी का भारत में प्रवेश होता है लद्दाख का पहाड़। कौन सा पहाड़? लद्दाख का पहाड़, या अपन कह सकते हैं जासपर पहाड़। ये जो नदी है भारत में एक स्थल है, लद्दाख के पहाड़ में एक स्थल है जिसका नाम है बुंजी। क्या नाम है? बुंजी। इस बुंजी नामक स्थल पर इसका भारत में प्रवेश होता है। सिंधु नदी का भारत में प्रवेश होता है बुंजी नामक स्थान पर, और ये जो बुंजी नामक स्थान है इस स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो लद्दाख पहाड़ या जासपर पहाड़ इससे प्रवेश करते हुए भारत में अत्यधिक ऊंचाई से गिरती है, और अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण इसके द्वारा एक गार्ज का निर्माण किया जाता है जो 5500 मीटर गहरा गार्ज। गार्ज का मतलब होता है माखड, यानी कि बहुत गहरा खड्डा। जब ये अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान से गिरेगी तो उस स्थान पर नीचे एक खड्डा कर देती है। तो सिंधु नदी भारत में जब बुंजी नामक स्थान पर प्रवेश करती है, इसका भारत में प्रवेश, और इस स्थान पर इसके द्वारा 5500 मीटर गहरा एक गार्ज है उसका निर्माण कर दिया जाता है। तत्पश्चात ये नदी भारत के लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। अब सिंधु नदी, इस सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए जो महत्वपूर्ण नगर है, इन नगरों में सबसे इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट नगर कौन सा है जिसका हमें अध्ययन करना है? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख स्थल। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं सिंधु, और इस सिंधु की जो पांच सहायक नदियां हैं, जिन नदियों में अपन सबसे पहले झेलम, चिनाब, रावी व्यास और सतलज। सिंधु की जो पांच सहायक नदियां हैं सबसे इंपॉर्टेंट है रावी नदी, और रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल बसा हुआ है? हड़प्पा। रावी के किनारे कौन सा स्थल बसा हुआ है? हड़प्पा। एक बार वापस देख लो, सिंधु नदी बोखरचू हिमनद मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। इसका उद्गम कहां पर होता है? बोखरचू हिमनद मानसरोवर तिब्बत में। ये भारत में प्रवेश करती है बुंजी नामक स्थान पर, और बुंजी नामक स्थान पर ये जिस जगह से प्रवेश करती है वहां पर कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार या जासपर का पठार। ये नदी भारत में प्रवेश करते समय अत्यधिक ऊंचाई से गिरती है जिसके कारण इसके द्वारा एक बहुत बड़ा गार्ज यानी कि माखड्ड है उसका निर्माण किया जाता है। फिर ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे के जो महत्वपूर्ण स्थल है उन स्थलों में मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो और कोटदीजी इंपॉर्टेंट स्थल है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है
पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक इस सभ्यता का जो विस्तार है, ये विस्तार कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये सभ्यता फैली हुई है, इस सभ्यता के कुल जो क्षेत्र है वो वर्तमान समय तक कुल कितने क्षेत्रों का उत्खनन या कितने क्षेत्रों की खोज की जा चुकी है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है, और इसका इसके यदि विस्तृत बिंदुओं की बात करूं मैं, इसका पूर्वी बिंदु, इसका पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु या दक्षिणी बिंदु, तो इसके बिंदु कौन कौन से हैं, यानी कि अपन बात करेंगे सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस सभ्यता के जो चार स्थल, यानी कि इस सभ्यता के जो चार बिंदु है, उन बिंदुओं के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता ये तीन देशों में विस्तृत है। सबसे पहला सर्वाधिक स्थल कहां पर है, भारत, फिर भारत के बाद में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में तीसरा देश जिसमें इस सभ्यता का विस्तार है वो कौन सा है, अफगानिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका विस्तार कौन कौन से देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस सभ्यता का विस्तार है। भारत में इस सभ्यता का जो विस्तार है वो मिलता है हमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक विस्तार सिंधु सभ्यता का भारत में यदि किसी राज्य में है तो वो राज्य पड़ता है गुजरात। गुजरात राज्य में सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके चार जो स्थल है, चार बिंदुओं की बात करते हैं। चार बिंदु जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है मांडा, दूसरे नंबर पर है सुतको गेंडोर, आलमगीरपुर और देमाबाद। अपन बात करेंगे सबसे पहले डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सभ्यता की अपन बात करते हैं तो इस सभ्यता के चार छोर है, इन चार छोर में से यदि चौथे छोर यानी कि देमाबाद दक्षिण की मैं बात करूं तो सामान्यतः देमाबाद को इसका दक्षिणतम बिंदु माना गया, किंतु जहां वह श्रीमाली की जो पुस्तक है उसमें भगत राव को दक्षिणी बिंदु माना गया है, और भगत राव पड़ता है गुजरात में। कौन सी बुक के अकॉर्डिंग, झा व श्रीमाली के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी बिंदु देमाबाद के स्थान पर झा व श्रीमाली ने अपनी पुस्तक में भगत राव गुजरात को माना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो चार स्थल है, सबसे दक्षिणी बिंदु जिसमें हमने देमाबाद को शामिल किया, सबसे पूर्वी बिंदु जिसमें हमने आलमगीरपुर को शामिल किया, सबसे पश्चिमी बिंदु सुतको गेंडोर को शामिल किया, और सबसे उत्तरी बिंदु जिसमें हमने मांडा को शामिल किया, इन चारों बिंदुओं के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इनकी स्थिति के बारे में पूछा जाता है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी या पश्चिमी कौन सा है। इसके अतिरिक्त तो और भी कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि ये स्थल है, कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, कौन से स्टेट में पड़ता है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले मांडा की। मांडा जिसकी स्थिति की मैं बात करूं तो मांडा चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। इसको याद करने के लिए अपन बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं माचिस, यानी कि मांडा चिनाब। मांडा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, चिनाब नदी के किनारे पर, यानी कि मांडा को याद करने के लिए माचिस का ध्यान रखना है, मांडा चिनाब नदी। मांडा चिनाब नदी के किनारे पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है, और ये जो पड़ता है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। मांडा कहां पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे पर, सबसे उत्तरी बिंदु हड़प्पा सभ्यता का। फिर हम बात करते हैं सुतको गेंडोर। सुतको गेंडोर पड़ता है पाकिस्तान में। सुतको गेंडोर कहां पर पड़ता है, ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक स्टेट है, पाकिस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य के मकरान जिले का नाम क्या है, मकरान। इस मकरान जिले में एक नदी बहती है और उस नदी का है दास्क नाम, दास्क नदी। कौन सी नदी है, दास्क नदी। तो हम कह सकते हैं सुतको गेंडोर जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये पाकिस्तान के
बलूचिस्तान प्रांत में मकरान जिले में दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं देमाबाद। देमाबाद जिसको हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है, देमाबाद की स्थिति की यदि मैं बात करूं तो यह स्थित है अहमदनगर जिला। अहमदनगर जो जिला पड़ता है महाराष्ट्र में, अहमदनगर कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। हम बात कर रहे थे दक्षिणतम बिंदु की, हड़प्पा सभ्यता का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है देमाबाद, और देमाबाद पड़ता है अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो पूर्वी हिस्सा है हड़प्पा सभ्यता का, पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है आलमगीरपुर। अब इनको याद रखने की एक बिल्कुल आसान सी शॉर्ट ट्रिक है, जिस शॉर्ट ट्रिक के आधार पर अपन इनको याद रख सकते हैं। देखो चार स्थल है, एक है सुतको गेंडोर, दूसरा आलमगीरपुर, तीसरा देमाबाद, चौथा मांडा। इन चारों स्थलों को हम इजीली याद कर सकते हैं। याद करने के लिए एक आप देख लो कि मोदी जी जब पहली बार सत्ता में आए थे 2014 में, जब मोदी जी पहली बार इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव में खड़े हुए थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैं इस प्रकार के जो कार्य करूंगा 56 इंची सेना कि पाकिस्तान है उस पाकिस्तान को भूखा प्यासा मार दूंगा। तो उनका जो मोदी जी का जो कहना था वो क्या था कि पाकिस्तान को पानी के लिए वो तरसा देंगे। अब पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाना है क्योंकि पाकिस्तान में भारत से लगभग जो पानी जाता है वो पाकिस्तान में जाता है, और पाकिस्तान है, पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा कब? जब मोदी जी बांध का निर्माण करेंगे। अब देखो भारत से पाकिस्तान में कौन कौन सी नदियां जाती है? सिंधु जाती है, झेलम जाती है, रावी जाती है, चिनाब जाती है, व्यास जाती है, सतलज जाती है। तो अब एक नदी होती तो मोदी जी क्या करते? बांध बना लेते, और बांध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डैम। और डैम की स्पेलिंग बांध, DAM, डैम, डैम यानी कि बांध। अब देखो नदियां काफी सारी है, 6-7 नदियां, तो एक बांध से काम चलेगा नहीं, इसलिए मोदी जी को 7-8 बांध बनाने पड़ेंगे। तो बांध का बहुवचन क्या हो गया? डैम्स। मोदी जी को पानी रोकने के लिए, पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे बांध बनाने पड़ेंगे। अब बांध की अपन शुरुआत करते हैं दक्षिण से, तो डी मतलब दक्षिण, और डी मतलब भी क्या होता है? देमाबाद। डी मतलब दक्षिण और डी मतलब भी क्या हुआ? देमाबाद। यानी कि सबसे पहले अपन बात करेंगे देमाबाद की, और देमाबाद को कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी हिस्सा है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु देमाबाद। देखो इसमें जो एक्सेप्शन की मैंने बात करी थी, जाओ और श्रीमाली की किताब में भगतराव गुजरात को दक्षिणतम बिंदु माना गया, किंतु हमें देमाबाद या दाइमाबाद का ही ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अपन देमाबाद दक्षिण के बाद में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और एक एक को हम सेट करते जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखो घड़ी की विपरीत दिशा में यदि अपन चले तो हमें इस प्रकार से चलना होगा, डी देमाबाद, डी दक्षिण, फिर इसके बाद में नंबर आता है ए यानी कि आलमगीरपुर। तो ए यानी कि आलमगीरपुर, ए यानी कि आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? आलमगीरपुर का है। फिर इसके बाद में ए के बाद में कौन सा आएगा? एम। एम यानी कि क्या हुआ? मांडा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? एम। एम यानी कि मांडा, और मांडा है वो कौन सा है? उत्तरी बिंदु है। मांडा है वो कौन सा बिंदु है? उत्तरी बिंदु है। फिर इसके बाद में हम चलेंगे एस, और एस का मतलब क्या हुआ? सुतको गेंडोर, और एस यानी कि सुतको गेंडोर, एस यानी कि सुतको गेंडोर, और सुतको गेंडोर है वो इस सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है। सुतको गेंडोर इस सभ्यता का कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है। तो इस सभ्यता के चारों बिंदुओं को याद रखना है, तो डी ए एम एस, डेम्स, डेम्स यानी कि बांध, बांध बना करके एंटी क्लॉकवाइज चलना है यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, और घड़ी की विपरीत दिशा में जब आप जाओगे तो दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा, और
पश्चिम में सुतको गेंड और जो पाकिस्तान में, एकमात्र बिंदु जो भारत के बाहर स्थित है हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा है? सुतको गेंड और वो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। इनकी नदियों की भी हमने बात की थी। देमाबाद है, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मांडा अखनूर जिले में, जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है, और सुतको गेंड है वो दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, ये विस्तार है ये किस शेप में हमें प्राप्त होता है, यानी कि किस प्रकार की आकृति का निर्माण करता है। यदि हम आकृति की बात करें, हड़प्पा सभ्यता है वो किस प्रकार की आकृति का निर्माण करता है, तो ये जो आलमगीरपुर जो हमने यहाँ पर डायरेक्शन के हिसाब से थोड़ा यहाँ पर दिखाया है, ये आलमगीरपुर है, ये लगभग यहीं पर पड़ता है। और हड़प्पा सभ्यता यदि अपन विस्तार की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो है त्रिभुजा, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार। तो इसकी आकृति, हड़प्पा सभ्यता है इसकी आकृति है वो किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता है किस प्रकार है, तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार की। देखो, अपन बात करेंगे सैंधव सभ्यता के विस्तार के बारे में, तो सैंधव सभ्यता का विस्तार है वो, यदि आपको पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम तक या पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कितना है, तो वेस्ट टू ईस्ट की मैं बात करूं, पूर्व से यदि पश्चिम की मैं बात करूं, तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो है 1600 किलोमीटर वर्ग, यानी कि 1600 वर्ग किलोमीटर सुतको गेंडोर से लगा करके आलमगीरपुर मेरठ यूपी तक हड़प्पा सभ्यता ये विस्तृत है। यदि इसके दक्षिण से उत्तरी क्षेत्र की मैं बात करूं, तो दक्षिण से उत्तर तक इसका जो विस्तार है ये होता है 1400 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1400 किलोमीटर स्क्वायर, 1400 वर्ग किलोमीटर की। फिर इस सभ्यता के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करूं, तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो पड़ता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का कुल भौगोलिक विस्तार कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तृत है। इसकी आकृति की यदि अपन बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार आकृति के रूप में है। कौन सी रूप में है? त्रिभुजाकार आकृति के रूप में है, क्योंकि आलमगीरपुर जो क्षेत्र है ये लगभग इस जगह पर पड़ता है, इसलिए इसको अपन कौन से आकृति के रूप में शामिल करते हैं? त्रिभुजाकार आकृति के रूप में इसको शामिल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके साथ में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए अपने जो फ्रेंड्स वगैरह उनको मोटिवेट कीजिए, ताकि उनको अच्छे लेवल का, अच्छी क्वालिटी का जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।